अब हम देखेंगे एक लैपटॉप मदरबोर्ड में कॉमन वोल्टेजेस कितने होते हैं और टोटल किस किस कनेक्टर में कौन कौन सा वोल्टेज जाता है और किस किस कंट्रोलर में क्या क्या वोल्टेज जाता है, इसका नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब कोई भी लैपटॉप का मेन वोल्टेज सोर्स क्या होता है? आइदर एडाप्टर नहीं तो बैटरी। आइदर एडाप्टर से वो ऑन होता है नहीं तो बैटरी से वो चलता है। तो एडाप्टर का एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, 18 वोल्ट से 20 वोल्ट तक आपको मिल जाएगा कोई भी एडाप्टर का वैल्यू। धीरे धीरे घट रहा है लेकिन इतने में आपको मैक्सिमम लैपटॉप का एडाप्टर का वैल्यू आपको इतने के अंदर मिल जाएगा, और बैटरी में वो है 10 से 12 वोल्ट के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, और देखिए एक यहाँ पे और एक वोल्ट मेंशन किया हुआ है, वर्ड यहाँ पे है वोल्टेज कॉमन पॉइंट। वोल्टेज कॉमन पॉइंट मतलब क्या होता है? देखिए, अब लैपटॉप मदरबोर्ड में आइदर बैटरी का वोल्टेज रहता है नहीं तो अडेप्टर का रहता है। मदरबोर्ड में हर तरफ ये वोल्टेज जाता है, दोनों एक साथ तो नहीं जाएगा। जब अडेप्टर लगा रहेगा तब बैटरी चार्ज हो रहा होगा, अगर चार्ज हुआ नहीं है पूरा तो, और जब अडेप्टर हम निकाल देंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, मतलब बैटरी से हमारा लैपटॉप चल रहा होगा तो वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो बोर्ड में आइदर एडाप्टर का वोल्टेज मिलता है नहीं तो बैटरी का वोल्टेज मिलता है। तो ये जो आइदर और जो सिचुएशन है एडाप्टर और बैटरी के बीच में, उसको बोलते हैं वोल्टेज कॉमन पॉइंट। तो वोल्टेज कॉमन पॉइंट में हमको कौन सा वोल्टेज मिलेगा? आइदर एडाप्टर का वोल्टेज मिलेगा नहीं तो बैटरी का वोल्टेज मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या होता है। देखिए, वोल्टेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं ऑलवेज, एक को बोलते हैं नॉर्मल। अब ऑलवेज किसको बोलते हैं? हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड में एक सेक्शन होता है, वोल्टेज जनरेशन सेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंड बाई सेक्शन। स्टैंड बाई सेक्शन मतलब क्या है? जो सिर्फ आप अगर एडाप्टर लगाते हैं बोर्ड में, लैपटॉप में आप अगर सिर्फ एडाप्टर लगाते हैं और लैपटॉप ऑन भी नहीं है तो भी वो वोल्टेज उस सेक्शन में मिलता है, जो है हमारा 5 वोल्ट और 3 वोल्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट, इसलिए इसको ऑलवेज वोल्टेज बोलते हैं। तो इसको ऑलवेज का कैटेगरी में हम रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टैंड बाई सेक्शन से जो 5 और 3 निकलता है उसको ऑलवेज हम बोलते हैं। और नॉर्मल, नॉर्मल मतलब बस इतना है जो ऑन होने के बाद निकलता है। अब ऑलवेज 5, ऑलवेज 3 और नॉर्मल 5, नॉर्मल 3 में डिफरेंस बस इतना है, जो ऑन होने से पहले ऑलवेज 3 और ऑलवेज 5 जो निकला था वो एक और एक सेक्शन से होते हुए वो ऑन होने के बाद सारे बोर्ड पे पहुंचता है जहां जहां उसका जरूरत होता है। वो सेक्शन है कन्वर्जन सेक्शन। वो कन्वर्जन सेक्शन से होते हुए ऑन होने के बाद क्रॉस का वोल्टेज वही होता है 3 और 5, बस उसका स्टेट चेंज हो जाता है। एक ऑन होने से पहले मिलता है, एक ऑन होने के बाद भी मिलता है, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स में हम वोल्टेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, सारे वोल्टेजेस जो वोल्टेज जनरेशन सेक्शन से निकलता है मदरबोर्ड में, जो भी वोल्टेज जनरेट होता है उसका डिटेल हम थोड़ा समझते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज कॉमनली जो है। देखिए, एक तो हमने बोला वीन मतलब बैटरी या फिर एडाप्टर का वोल्टेज, 12 या फिर 19 या फिर 20। बैटरी चार्जिंग का एक सेक्शन होता है मदरबोर्ड में। अब बैटरी का जितना वोल्टेज होगा चार्जिंग का भी उतना ही वोल्टेज होगा, तो चार्जिंग के लिए भी उतना ही वोल्टेज होता है जितना बैटरी का वोल्टेज होता है। अब इसको छोड़ के स्टैंड बाई सेक्शन भी एक सेक्शन है, जिसमें मैंने बोला था कि ऑलवेज 5 और ऑलवेज 3 वोल्ट निकलता है ऑन होने से पहले। लेकिन ऑलवेज 3 ऑलवेज 5 से भी पहले एक LDO 3 LDO 5 निकलता है और एक LDO 2 वोल्ट भी निकलता है। ये सब वोल्टेजेस भी ऑन होने से पहले, ये अगर नहीं निकलेगा तो ऑलवेज 3 5 भी नहीं निकलेगा। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कन्वर्जन सेक्शन से होते हुए वो नॉर्मल 5 नॉर्मल 3 या फिर 5 VS 3 VS वोल्टेज उसको बोलते हैं निकलता है। कितने वोल्टेजेस है आप सब देखिए, खाली चिपसेट जैसे PCH हुआ, ICH हुआ, MCH हुआ, MCH यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये तीनों में से कुछ भी हो वोल्टेजेस इनके 1.05 ही होता है।
पीसीएचओ चाहे आईसीएचओ चाहे एमसीएचओ। अब रैम के अलग अलग वोल्टेजेस होते हैं, DDR1 होगा तो 2.5, DDR2 हुआ तो 1.8, DDR3 हुआ तो 1.5, DDR3L भी बीच में आता है 1.35 वोल्ट, और DDR4 हुआ तो 1.2 वोल्ट। अब रैम छोड़ के सारे रैम स्लॉट में डिस्प्ले आने के लिए एक VTT वोल्टेज भी होता है रैम का, वोल्टेज टर्मिनेशन, वो भी स्लॉट में आना जरूरी है। उसका वोल्टेज आप कैसे याद रखेंगे? सिर्फ आपको इतना याद रखना है, रैम का वोल्टेज अगर आपको याद है उसका आधा आप कर देना। यहाँ पे देखिए आधा किया हुआ है, 2.5 का 1.25, 1.8 का 0.9, इस तरह से सबका आधा आधा यहाँ पे VTT वोल्टेजेस है। फिर देखिए प्रोसेसर, प्रोसेसर में यहाँ पे एक रेंज मैंने दिया हुआ है जो पुराने से लेकर नए में लगभग आपको सब में इसी रेंज के अंदर मिल जाएगा, 0.8 से 1.2 के अंदर ही प्रोसेसर का वोल्टेज होता है। अच्छा, अब प्रोसेसर को आइदर 3 वोल्टेज मिलता है, 3 कॉइल के थ्रू 3 वोल्टेज मिलता है जो सेम ही होता है, या फिर 2 भी मिल सकता है, या फिर आजकल 1 भी मिलता है। इसको हम और गहराई से समझेंगे बाद में। ये सबको छोड़ के भी किसी किसी बोर्ड में कुछ सपोर्टेड वोल्टेजेस भी मिलता है जो एक्स्ट्रा चाहिए होता है आईसी को, कंट्रोलर को, तो उसका कोई ठीक नहीं है कि इस बोर्ड में कितना होगा, कितना ठो होगा और कितना उसका वोल्टेजेस होगा। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग हो सकता है ये, तो इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब आगे देखते हैं, जो भी वोल्टेजेस है उसका एक पावर ऑन देखिए, पावर ऑन होने से पहले पावर सिक्वेंस कैसा रहता है। अगर बैटरी भी एक लैपटॉप में नहीं है और एडाप्टर भी नहीं है, सिर्फ अगर सीमॉस बैटरी है मदरबोर्ड में लगा हुआ है, तो एक आरटीसी सेक्शन होता है, रियल टाइम क्लॉक, उस सेक्शन में आपको 3 वोल्ट मिलता है। ये सेक्शन काम नहीं करेगा तो एक लैपटॉप ऑन भी नहीं होता है। फिर अगर बैटरी लगा है और सीमॉस बैटरी भी लगा है तो क्या क्या वोल्टेजेस होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आरटीसी का 3 वोल्ट होगा, बैटरी का 10 से 12 वोल्ट होगा, और स्टैंड बाई सेक्शन में लीनियर 3 और लीनियर 5 वोल्ट आपको मिलेगा, जिसको LDO3 LDO5 भी बोलते हैं। अब बैटरी लगने से ऑलवेज 3-5 नहीं निकलता है, ये चीज हम और डीप में समझेंगे बाद में। एडाप्टर अगर लगा है और बैटरी भी लगा है, सिमोस बैटरी भी है, तो क्या क्या रहेगा? आरटीसी का 3 वोल्ट मिलेगा, बैटरी का 12 वोल्ट मिलेगा, और चार्जिंग सेक्शन में भी 12 वोल्ट हमको मिलेगा क्योंकि चार्ज कर रहा होगा बैटरी, एडाप्टर लगा है। अब स्टैंड बाई सेक्शन में लीनियर 3-5 भी मिलेगा और स्टैंड बाई सेक्शन में ऑलवेज 3-5 भी मिलेगा। तो ये है हमारा 3 ठो स्टेट, एक सीमॉस बैटरी, एक बैटरी ओनली और एक एडाप्टर के साथ। अब हम देखेंगे कि टोटल मदरबोर्ड में कितने वोल्टेजेस कितने कनेक्टर को जाता है और कितने कंट्रोलर को जाता है। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है। LVDS कनेक्टर जो इंटरनल डिस्प्ले होता है उसमें VCP का वोल्टेज रहता है, VCP मतलब आइदर बैटरी और एडाप्टर, और 3 वोल्ट रहता है। VGA कनेक्टर में 5 वोल्ट रहता है, HDMI कनेक्टर में 5 वोल्ट रहता है, RJ45 में 3 वोल्ट रहता है, USB में 5 वोल्ट रहता है, eSATA में 5 वोल्ट रहता है, हार्ड डिस्क कनेक्टर में 3 वोल्ट 5 वोल्ट दोनों मिलता है, ODD मतलब आपका CD ड्राइव का कनेक्टर में 5 वोल्ट मिलता है, वाईफाई का कनेक्टर में 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट मिलता है, कीबोर्ड में कोई वोल्टेजेस होता नहीं है इंडिविजुअल, टच पैड में 5 वोल्ट मिलता है, स्पीकर में भी कुछ होता नहीं है, ब्लूटूथ में 3 वोल्ट होता है, प्रोसेसर का जो फैन होता है जो घूमता है, लैपटॉप में अगर कोई भी मोटर घूम रहा है तो वो 5 वोल्ट का होता है, तो ये फैन भी 5 वोल्ट का होता है, ऑडियो जैक में कोई वोल्टेजेस नहीं होता है, और कार्ड रीडर में 3 वोल्ट होता है। ये सब चीज धीरे धीरे आपको याद रखनी पड़ेगी, नहीं तो रिपेयरिंग में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। अब आगे देखते हैं कंट्रोलर सारे। देखिए प्रोसेसर में हमने तो देखा था, प्रोसेसर में 0.8 से 1.2 वोल्ट के अंदर होता है, GMCH का 1.05, ICH का 1.05, PCH का 1.05, तीनों में जो भी हो तीनों का सेम वोल्टेजेस है, और GFX मतलब ग्राफिक्स अगर है तो उसमें 1.05 1.8 दोनों वोल्ट होता है। आईओ कंट्रोलर में 3 वोल्ट होता है, बायोस जो होता है बायोस का 3 वोल्ट होता है, क्लॉक जनरेटर आईसी अगर अलग से है बोर्ड में तो वो भी 3 वोल्ट उसको सप्लाई मिलता है, नेटवर्क आईसी
RJ45 कनेक्टर जो होता है, उसका जो कंट्रोलर होता है नेटवर्क आईसी, वो भी उसमें भी 3 वोल्ट सप्लाई आता है। ऑडियो का कंट्रोलर का भी 3 और 5 दोनों वोल्ट होता है, और कार्ड रीडर का भी 3 वोल्ट होता है। तो इतनी सारे वोल्टेजेस हैं जो हमको याद रखनी है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जाएगा तो कैसे पता करेंगे, कहाँ से नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। वोल्टेजेस चाहे कोई भी हो, सारे वोल्टेजेस जनरेट होता है वोल्टेज जनरेशन सेक्शन से।